सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। रंगों से भरी इस दुनिया में रंग रंगीला त्योहार है होली। गिले शिकवे भुलाकर खुशियाँ मनाने का त्योहार है होली। रंगीन दुनिया का रंगीन पैगाम है होली। हर तरह यही धूम मची है, बुरा न मानो होली है होली। इस तरह से मनाना होली का यह त्योहार, पिचकारी से बरसे सिर्फ प्यार। यह त्योहार है अपनों से प्यार करने का, तो फिर गुलाल और रंग लेकर हो जाओ तैयार। राधा का रंग और कान्हा की पिचकारी, प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी। ये रंग न जाने कोई जात ना कोई बोली, मुबारक हो आपको रंगों भरी होली। आज का पंचांग 8 मार्च 2023 दिन बुधवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 7:43 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र 4:20 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 12:30 से 1:58 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा सिंह राशि पर 8:53 तक रहेगी। इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगी। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं कि होली को रंगों का त्योहार क्यों कहा जाता है। होली की कई कहानियां हैं। विष्णु पुराण के मत से हिरण्यकश्यप नाम के क्रूर राजा की बहन होलिका के अंत का उत्सव है होली। 8 मार्च यानी आज होली मनाई जाएगी। होली पूरे देश में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला विशेष त्योहार है। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार सबसे बड़ी त्योहारों में से एक है। इसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। होलिका दहन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और अगले दिन लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे को रंग लगाकर होली खेलते हैं। होलिका दहन को कई जगहों पर छोटी होली के रूप में भी मनाई जाती है और अगले दिन रंगों का त्योहार होली मनाई जाती है। वृषभ राशि 8 मार्च 2023 दिन बुधवार, अभी आप अवकाश और मनोरंजन के लिए ऐश करने के मूड में हैं। जीवन का पूरा आनंद ले लेकिन जुए और जोखिम भरे निर्णय से बचें। रोमांस के लिए अधिक समय और ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जिन्हें आप प्यार कहते हैं वो ही आपकी प्रेरणा और सच्ची राय का स्रोत है। इशारों पर नाचने वाले लोग आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालें और परिवार के साथ व्यतीत करें। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके खराब विचार पहुंचा सकते हैं। दिनचर्या में कुछ नयापन लाने की कोशिश करें, इससे आपका जोश और उत्साह बढ़ेगा। घर में किसी सदस्य की विवाह संबंधित तैयारियों की प्लानिंग भी होगी तथा शॉपिंग आदि में खुशनुमा दिन व्यतीत होगा। समय आपके पक्ष में होने से अधिकतर काम आसानी से होते हुए नजर आएंगे। मन में उत्पन्न हो रहे डर को मिटाने की कोशिश करें। भले ही बड़ी सफलता प्राप्त ना हो लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी। परिवार के लोगों के महसूस होने वाले वाद विवाद कम होंगे। कुछ लोगों के साथ संबंधों में सकारात्मक बदलाव हो सकता है। पार्टनरशिप में किया काम सफल हो सकता है लेकिन जितनी अपेक्षा आप रखते हैं उतना फायदा मिलना मुश्किल है, इसीलिए अकेले ही काम करने पर ध्यान दें। रिलेशनशिप जब तक स्थिर नहीं होता तब तक विवाह संबंधी चर्चा ना करें। बढ़ती गर्मी के कारण त्वचा संबंधी तकलीफ भी हो सकती है। सावधानियां, किसी की भी बातों में ना आए और बिना बात किसी से भी उलझे नहीं। अपने गुस्से और वाणी पर काबू रखें, अन्यथा वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा जैसी स्थिति बन सकती है। अपने सूझबूझ द्वारा ही कोई कदम उठाएं। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक गतिविधियों में अपना योगदान देने से संबंध मधुर बने रहेंगे। प्रेम संबंधों की वजह से अपने करियर के साथ समझौता ना करें। आपका आर्थिक और रोमांटिक जीवन आनंद व मनोरंजन से भरा हुआ है। रोमांस में आपको केवल आगे बढ़ने की जरूरत है। आपका साथी स्वयं आपके नजदीक आएगा। बुद्धिमत्ता और
रचनात्मकता भरे इस दौर का पूरा अवसर उठाएं, जो आपको स्वप्न लोक में ले जाएगा। आज आपका दिन बेहद शुभ है। अगर एक सच्चे दोस्त की तलाश है तो आज ऑनलाइन किसी खास को ढूंढे, रास्ते में कोई पसंद आए तो उसे देखकर मुस्कुराएं या किसी अजनबी से बात करके देखें। भाग्य आपका साथ देगा। अगर विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी के साथ कुछ यादगार लम्हे व्यतीत करें। बात करते हैं करियर की। आज किसी खास संबंध यानी रोमांटिक खेल की संभावना है। आपके कूटनीति और राजनीतिक विचार आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। पैसे में हानि से खुद को प्रभावित ना होने दें, क्योंकि आपकी बुद्धिमत्ता आपकी असली संपत्ति है। याद रखें, चाह और इच्छा में बहुत बड़ा अंतर है। आज आपके व्यावसायिक जीवन में उतार चढ़ाव आने की संभावना है, क्योंकि आपकी योजनाएं और रणनीतियां सही से काम नहीं कर रही। आपके काम के साथ साथ आपके व्यक्तिगत जीवन में भी परिवर्तन आ सकता है। कानूनी परेशानियों से आपके व्यवसाय में समस्या उत्पन्न होगी। सबसे पहले खुद पर विश्वास रखें और मन की शांति तलाश करें। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें, सतर्क रहने की जरूरत है। नकारात्मक गतिविधि और आदतों से दूर रहें। बढ़ती गर्मी के कारण त्वचा संबंधी तकलीफ भी हो सकती है, ध्यान रखें। आज का उपाय, गणेश भगवान जी की पूजा करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।